क्या आप भी इस समस्या से परेशान हैं? देखिए, इस तरह से वाइपर कई बार हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं। वाइपर की जो डंडी होती है वो इस तरह से ढीली हो जाती है, और जब भी हम पानी खींचने के लिए उनका यूज़ करते हैं वाइपर निकल के नीचे गिर जाता है, और बार बार हम लगाते हैं बार बार वाइपर निकल के नीचे गिर जाता है और हम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। इस तरह से हम कई बार 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 वाइपर खरीदते हैं और बार बार हमें इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बहुत ही आसान सा मैं तरीका आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिससे इस तरह से जो वाइपर का जो डंडा लूज हो जाता है उसे आप फिक्स कर सकते हो, टूटे हुए वाइपर को आप रिपेयर कर सकते हो। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है गाइस। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें इसी तरह की यूजफुल वीडियो देखते रहने के लिए। और कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सो चलिए इसको हम जोड़ते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले वाइपर अगर गीला है तो पहले उसको अच्छे से सुखा लें। तो फ्रेंड, इस टूटे हुए वाइपर का जो डंडा है इसको हम फिक्स करने के लिए यहाँ पर लेंगे एमसील। एमसील किसी भी हार्डवेयर की दुकान पे आपको इजीली मिल जाता है। इसे जो पानी का पाइप होता है, प्लास्टिक का या फिर लोहे का पानी का जो पाइपलाइन होता है, फिक्स करने के लिए एमसील का यूज़ किया जाता है। किसी भी हार्डवेयर की दुकान पे आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं इसको कैसे यूज़ करना है। तो इसको यूज़ करने का जो तरीका है, पूरा इंस्ट्रक्शन आपको पीछे दिया हुआ है कैसे आपको यूज़ करना है। तो इसके अंदर दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको खोलने के बाद इस तरह से दो तरह कंपोनेंट होते हैं। ये एमसील हमारे घर में पहले से ही पड़ा हुआ था, तो आपके पास नहीं तो आप चाहें ले सकते हैं, किसी पाइप वगैरह को जोड़ने के लिए, टूटी चीज़ों को जोड़ने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये एक कंपोनेंट है जिसका नाम रेजिन बेस है, और दूसरा कंपोनेंट है जिसका नाम है हार्डनर। तो दोनों ही कंपोनेंट को हमको यूज़ करना है। चलिए जान लेते हैं कैसे यूज़ करना है। तो दोनों कंपोनेंट को हम सेम क्वांटिटी में ले लेंगे। सेम क्वांटिटी में दोनों को हमको लेना। सबसे पहले मैं काला वाला ले रही हूँ। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर मिक्स करके दिखा रही हूँ अभी, बाद में मैं इसको जितना मुझे ज़रूरत है उतना मैं मिक्स कर लूँगी। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ये जो सेकंड वाला है उसको भी ले लिया। दोनों को मैं अच्छे से इस तरह से हाथों से मिक्स कर लूँगी। तो ये थोड़ा स्किन पर जलन करता है, तो आप चाहें तो इसको किसी लकड़ी की हेल्प से मिक्स कर सकते हैं, किसी पन्नी वगैरह पर रख के, या जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो इसे आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो मैंने इसको ज़्यादा क्वांटिटी में अच्छे से मिक्स कर लिया है, उसके बाद मैं वाइपर को जोड़ना शुरू करती हूँ। तो गाइज, आप देख सकते हो ये हमारा जो वाइपर है यहाँ पर ये बीच से फट गया है। आप देख सकते हो ये यहाँ पर इस तरह से बीच से फट गया है। तो इस पर मैं थोड़ा सा ये एमसील लगा रही हूँ ताकि इसको मैं थोड़ा भर दूँ। तो इस तरह से ये फट गया, इसी वजह से जो डंडा होता है वो लूज हो जाता है और बार बार डंडा निकल जाता है। बाकी का पूरा वाइपर हमारा बिल्कुल ठीक ठाक है, तो इसको हम फेंक नहीं सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि हम इस तरह से वाइपर फेंकने लगे तो कई सारे वाइपर हमें कई बार फेंकने पड़ते हैं। यहाँ से डंडा लूज हो जाता है और उसको यूज़ करना मुश्किल हो जाता है, और हम उसको एक किनारे फेंक देते हैं। तो इसको हम फिक्स करेंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसका जो फटा हुआ हिस्सा है इस पर हम एमसील को भर देंगे अच्छे से। तो जहाँ भी आपका जो वाइपर है गड़बड़ है वहाँ से आप इसको अच्छे से भर दीजिए। तो इसको मैंने बिल्कुल अच्छे से भर दिया है। उसके बाद नीचे की तरफ थोड़ा सा ये टूटा हुआ था, तो यहाँ पर भी हम एमसील लगा देंगे। तो एमसील से ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा, लेकिन ये तुरंत फिक्स नहीं होता, थोड़ा सा समय लगता है। तो जो इसका फटा हुआ हिस्सा था उसमें मैंने एमसील को अच्छे से भर दिया है, और डंडे की हेल्प से ये बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर सेट भी हो गया है। बाकी जो डंडा हमारा हिलता है, बार बार निकल जाता है, लूज होता है, तो यहाँ पर साइड साइड से भी हम एमसील को भर देंगे। साइड साइड से भी एमसील को हम भर देंगे अच्छे से, तो जिससे ये जो डंडा लूज होकर निकलता है इसकी भी प्रॉब्लम जो है फिक्स हो जाएगी। तो आप इसे किसी पुराने चाकू की हेल्प से भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। मैं इसको हाथों से अप्लाई कर रही हूँ, तो बट किसी चाकू की हेल्प से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। क्योंकि इसको यूज़ करने के बाद मेरे हाथों में थोड़ी सी जलन हो रही थी, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि किसी पुराने चाकू या किसी लकड़ी की हेल्प से भी आप इसको अच्छे से अप्लाई कर दीजिए, ताकि आपके हाथों में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो आप अपने तरीके से अपनी ज़रूरत के अनुसार एमसील का यूज़ कर सकते हैं वाइपर को फिक्स करने में। तो यहाँ से भी थोड़ा सा ये फटा हुआ था, तो यहाँ भी मैं एमसील को अच्छे से लगा के भर दूँगी। लगाने में इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये थोड़ा गीला होता है तो अच्छे से सेट होने में टाइम लगता है।
तो आप अपने हिसाब से इसको अच्छे से वाइपर पे अप्लाई कर दीजिए, जिससे फिक्स हो जाता है। लेकिन इस पर पानी नहीं पड़ना चाहिए, ये अभी पूरी तरह से हार्ड नहीं हुआ है। कम से कम 3 से 4 दिन तक हम इसको ऐसे ही एक किनारे रख के छोड़ देंगे, इस पर पानी नहीं पड़ना चाहिए। 3-4 दिन में अच्छे से सूख जाएगा और फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आप इसको पानी खींचने के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए यूज कर सकते हो, इसका जोड़ बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। सो गाइस, ये वाइपर हमारा बन चुका है। लेकिन याद रखना है कि 3-4 दिनों तक इस पर पानी बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, वरना ये जुड़ेगा नहीं। लेकिन इसको तुरंत यूज नहीं करना है, इसको 3 से 4 दिन के लिए रख देना है एक किनारे, और 3-4 दिन में बिल्कुल पक्का हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा इसका जो जोड़ है, और डंडा भी इसमें अच्छे से सेट हो जाएगा। उसके बाद आप इसको आराम से पानी खींचने के लिए यूज कर सकते हो, आपका वाइपर बहुत अच्छे से काम करेगा। सो गाइस, मैं आपको इसको थोड़ा सा यूज करके दिखा दे रही हूँ, ताकि आप यकीन कर सकें, आपको कोई डाउट ना रह जाए। और मैं अभी इसको तुरंत यूज कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं डंडे को भी मैं इधर उधर घुमा रही हूँ, और वाइपर बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रहा है। इसका मतलब ये फिक्स हो चुका है। लेकिन इसको पक्का होने तक हमें अभी इसको यूज नहीं करना है, कम से कम 4 दिनों या 5 दिनों के लिए हम इसको रख देंगे। जब ये बिल्कुल अच्छे से डंडे को पकड़ लेगा, बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा, तब हम इसको यूज करेंगे। तो गाइज, ये थी हमारी आज की बहुत ही यूजफुल वीडियो। मैं अपने चैनल पर हमेशा यूजफुल वीडियो लेकर आती हूँ, तो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, इसी तरह की यूजफुल और हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए। वीडियो भी जरा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं, उन वीडियोज़ को भी जरूर देखें। फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।